गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम आर एस जंगिड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ रेनबो के फिफ्थ चैप्टर के फर्स्ट पार्ट की, इंडियाज गिफ्ट टू द वर्ल्ड। इसका फर्स्ट पार्ट आज हम ले रहे हैं, इंडियाज गिफ्ट टू द वर्ल्ड, विश्व को भारत का उपहार। इसका फर्स्ट पार्ट है हाउ योगा हिल्स, कि योग बीमारी का कैसे इलाज करता है। हील्स का मतलब होता है इलाज करना, कि योगा जो है वो कैसे इलाज करता है। इट हैज बिकम कॉमन नॉलेज दैट योगा इज गुड फॉर यू। इट हैज बिकम कॉमन नॉलेज, ये एक सामान्य ज्ञान बन चुका है, दैट योगा इज गुड फॉर यू, कि योगा जो है इज गुड फॉर यू, वो आपके लिए अच्छा है, योग आपके लिए अच्छा है। करंटली योगा इज बींग यूज्ड एज अ थेरेपी फॉर कैंसर, इनफर्टिलिटी, लंग डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस डिजीज, इंसोमनिया, हाई ब्लड प्रेशर एंड जॉइंट पेन। करंटली आजकल, करंटली मीन्स आजकल, योगा इज बींग यूज, योगा का यूज किया जाता है, योगा का प्रयोग किया जाता है एज ए थेरेपी, एक थेरेपी के रूप में, एक उपचार के रूप में, फॉर कैंसर, कैंसर के लिए, इनफर्टिलिटी, संतानहीनता के लिए, लंग डिजीज, फेफड़ों की बीमारी के लिए, मल्टीपल स्क्लेरोसिस स्नायु तंत्र की बीमारी के लिए, पार्किंसंस डिजीज के लिए, इंसोमनिया यानी अनिद्रा के लिए, हाई ब्लड प्रेशर और उच्च रक्तचाप के लिए, एंड जॉइंट पेन और जोड़ों के दर्द के लिए, इनके लिए जो है इसका एक थेरेपी के रूप में या एक उपचार के रूप में काम में प्रयोग किया जाता है। यट देयर इज वेरी लिटिल अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑन एग्जैक्टली हाउ योगा हील्स। यट फिर भी देयर इज वेरी लिटिल अवेयरनेस, बहुत कम अवेयरनेस है, बहुत कम जागृति है एंड अंडरस्टैंडिंग और समझ है ऑन एग्जैक्टली ठीक हाउ योगा हील्स, योगा कैसे जो है इलाज करता है, इसके बारे में बहुत कम जागृति और समझ है। इवन इन द योगा एंड मेडिकल कम्युनिटीज, यहाँ तक कि योगा, योग और मेडिकल कम्युनिटीज में भी, जो चिकित्सकीय संप्रदाय हैं, उन समुदाय हैं, उनमें भी इसके बारे में बहुत कम जागृति और समझ है। द की इज टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस, योगा एंड डिजीज। द की इज टू, जो महत्वपूर्ण जो समझ है, टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप, महत्वपूर्ण बात है टू अंडरस्टैंड, समझना द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस, रिलेशनशिप को समझना, एक संबंध को समझना किसके बीच में, बिटवीन स्ट्रेस, योगा एंड डिजीज, तनाव, स्ट्रेस मीन्स तनाव, योगा और डिजीज बीमारी के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको समझना महत्वपूर्ण है। मेडिकल रिसर्च एस्टिमेट्स दैट एज मच एज 90% ऑफ इलनेस एंड डिजीज इज स्ट्रेस रिलेटेड। मेडिकल रिसर्च, चिकित्सकीय अनुसंधान एस्टिमेट्स, अनुमान लगाता है, चिकित्सीय अनुसंधान का ये अनुमान है दैट एज मच एज 90% ऑफ इलनेस, की लगभग 90% बीमारी, इलनेस एंड डिजीज, इलनेस बीमारी और डिजीज बीमारी, इज स्ट्रेस रिलेटेड, वो तनाव से संबंधित होती हैं। ए फ्यू ऑफ द मैनी डिजीजेज एंड conditions दैट हैव बीन लिंक्ड टू एन ओवर एक्टिव स्ट्रेस रेस्पॉन्स इंक्लूड कार्डियोवास्क्यूलर डिजीज, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सम टाइप ऑफ डायबिटीज मेलिटस एटसेट्रा। ए फ्यू ऑफ मैनी डिजीजेज, कुछ जो है, बहुत सारी डिजीजेज में से कुछ बीमारियां जो हैं, बहुत सारी बीमारियों में से कुछ बीमारियां एंड कंडीशंस और दशाएं दैट हैव बीन लिंक्ड, जिनको लिंक किया गया है टू एन ओवर एक्टिव, अत्यधिक सक्रिय, ओवर एक्टिव मीन्स अत्यधिक सक्रिय स्ट्रेस रिस्पॉन्स इंक्लूड, जो तनाव संबंधी प्रतिक्रिया से जिनको अत्यधिक सक्रिय, जो उनके साथ में लिंक किया गया है, उनको जोड़ा गया है, इंक्लूड उसमें शामिल है कार्डियोवास्क्यूलर डिजीज यानी हृदय और रक्त वाहिनियों से संबंधित बीमारी, डिप्रेशन
अवसाद, एंग्जाइटी, चिंता एंड सम टाइप ऑफ डायबिटीज मिलिटस, और कुछ प्रकार की डायबिटिक मिलिटस यानी अत्यधिक शर्करा वाली जो मधुमेह की बीमारी है उनको इसमें शामिल करते हैं। व्हाट वी फील एज स्ट्रेस इज द प्रोडक्ट ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स। व्हाट वी फील एज स्ट्रेस, जिसको हम तनाव के रूप में महसूस करते हैं, इज द प्रोडक्ट, वो एक उत्पाद है ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक अनुकंपी नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र का, एक अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का आउटकम है, एक अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का उत्पाद है, और द या फिर फाइट और फ्लाइट, लड़ो और भागो, फ्लाइट और फ्लाइट, लड़ो और भागो रेस्पॉन्स, ये प्रतिक्रिया का उत्पाद है। एंड ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस सर्ज इन द हार्ट रेट, एंड ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस यानी तुरंत सर्ज इन हार्ट रेट, सर्ज यानी वृद्धि कर देता है, इन हार्ट रेट, हार्ट रेट में वृद्धि कर देता है, हृदय की गति में वृद्धि कर देता है, कार्डियक आउटपुट और कार्डियक हृदय की जो कार्यक्षमता है उसको वो बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर को जो है तुरंत उसमें वृद्धि कर देता है, स्वीटिंग पसीने में, स्लो ब्रीथिंग या फिर धीमी जो ब्रीथिंग है, श्वसन क्रिया है उसमें वृद्धि कर देता है, एंड मेटाबॉलिज्म और उपापचय में वृद्धि कर देता है, कंबाइंड विद ए टेंसिंग ऑफ मसल, जो कि कंबाइंड है विद ए टेंसिंग ऑफ मसल्स, मसल्स मांसपेशियों के खिंचाव से जो है संयुक्त है। इंटरनली आंतरिक रूप से द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स, लड़ो और भागो जो प्रतिक्रिया है, फाइट और फ्लाइट जो प्रतिक्रिया है, शट्स डाउन डाइजेशन, वो डाइजेशन को बंद कर देती है, पाचन क्रिया को बंद कर देती है, एंड एलिमिनेशन और उत्सर्जन क्रिया को जो है बंद कर देती है, एंड रिड्यूसेज ब्लड फ्लो और कम कर देता है ब्लड फ्लो, खून के फ्लो को कम कर देता है टू द इंटरनल ऑर्गन्स, आंतरिक अंगों में ब्लड का जो फ्लो है, ब्लड का जो बहाव है रक्त का, उसको कम कर देता है। शॉर्ट टर्म दिस स्ट्रेस रिएक्शन इज ए गुड थिंग, शॉर्ट टर्म के लिए, लघु काल के लिए दिस स्ट्रेस, ये जो तनाव है, तनाव का जो रिएक्शन है, इसकी जो प्रतिक्रिया है, इज ए गुड थिंग, वो एक अच्छी चीज है। द फाइट और फ्लाइट, लड़ो या भागो रेस्पॉन्स एंड प्रतिक्रिया प्रिपेयर्स अस टू रेस्पॉन्ड टू एनी एनवायरमेंटल थ्रेट, प्रिपेयर्स अस हमें तैयार करती है टू रेस्पॉन्ड, जवाब देने के लिए, आंसर देने के लिए टू एनी एनवायरमेंटल थ्रेट, किसी भी पर्यावरणीय धमकी का, बाई फाइटिंग अगेंस्ट इट, उसके खिलाफ लड़ते हुए, और फ्लीइंग फ्रॉम इट या उसके भागते हुए। बट लॉन्ग टर्म, लेकिन लंबे समय के लिए, लंबे काल के लिए, कंटिन्यूस एक्सपोजर टू स्ट्रेस इज हार्मफुल, लगातार जो एक्सपोजर है, लगातार ग्रस्त रहना, टू स्ट्रेस लगातार तनाव से ग्रस्त रहना इज हार्मफुल, वो नुकसानदायक है। प्लेसिंग एक्सेस वियर एंड टीयर ऑन बॉडी सिस्टम, प्लेसिंग एक्सेस वो अत्यधिक रखता है, वियर एंड टीयर टूट फूट कर देता है ऑन द बॉडी सिस्टम, बॉडी का जो सिस्टम है उसमें टूट फूट कर देता है। एंड सीवियरली और गंभीर रूप से लिमिटिंग द बॉडीज नेचुरल मेंटेनेंस एंड हीलिंग एबिलिटीज, लिमिटिंग उसको सीमित कर देता है अत्यधिक रूप से, गंभीर रूप से, जो बॉडी की जो नेचुरल मेंटेनेंस है, जो स्वाभाविक मेंटेनेंस है, एंड हीलिंग एबिलिटीज उसकी जो इलाज करने की जो क्षमता है उनको वह लिमिट कर, उनको सीमित कर देता है। क्रॉनिक स्ट्रेस कैन लीड टू कंटिन्यूसली हाई लेवल्स ऑफ कार्टिसोल, क्रॉनिक स्ट्रेस दीर्घकालिक, क्रॉनिक का मतलब होता है दीर्घकालिक, दीर्घकालिक जो स्ट्रेस है, तनाव है, कैन लीड टू कंटिन्यूसली हाई लेवल्स ऑफ कार्टिसोल, कार्टिसोल कहता है एक प्रकार का हार्मोन है, तो कार्टिसोल का जो हाई लेवल है लगातार उसको जो है एक जो दीर्घकालिक जो तनाव है, कैन लीड, वो लीड करता है टू कंटिन्यूसली लगातार हाई लेवल्स ऑफ कार्टिसोल, कार्टिसोल के हाई लेवल को जो है उसको लीड करता है। दिस हार्मोन एट नॉर्मल लेवल्स हेल्प टू मेंटेन एन एक्टिव हेल्दी बॉडी, दिस हार्मोन, ये जो कार्टिसोल नामक हार्मोन है, एट नॉर्मल लेवल, एक सामान्य लेवल पर, सामान्य स्तर पर हेल्प्स, मदद करता है टू मेंटेन
मेंटेन बनाए रखने में एंड एक्टिव एक सक्रिय और हेल्दी बॉडी को स्वस्थ बॉडी को बनाए रखने में मदद करता है, इंक्लूडिंग रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड ब्लड प्रेशर। शामिल करते किनको? रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म जो उपापचय है उसके नियंत्रण को एंड ब्लड प्रेशर को नियंत्रण को शामिल करता है। बट एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ कार्टिजोल, लेकिन कार्टिजोल की जो एक्सेसिव अमाउंट है उसकी अधिक जो मात्रा है कैन सप्रेस द इम्यून सिस्टम, वो इम्यून सिस्टम को दबा सकता है एंड कॉज स्लीप डिस्टर्बेंस, और जो नींद में जो डिस्टर्बेंस है उसको जो है उसका कारण बन सकता है, उसको उत्पन्न कर सकता है एंड लॉस ऑफ अपेटाइट, अपेटाइट कहते हैं भूख को, या भूख की हानि हो सकती है। कार्टिजोल की अगर अत्यधिक मात्रा हो गई तो ये सारे काम हो सकते हैं। हाई लेवल्स ऑफ कार्टिजोल कैन आल्सो इंक्रीज योर हार्ट रेट, और हाई लेवल्स ऑफ कार्टिजोल, और कार्टिजोल के जो हाई लेवल हैं, ये कार्टिजोल नामक जो हार्मोन है उसके जो हाई लेवल्स हैं, वे कैन आल्सो इंक्रीज योर हार्ट रेट, वो तुम्हारी हार्ट की रेट को बढ़ा सकते हैं, हृदय गति को बढ़ा सकते हैं, ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकते हैं एंड योर कोलेस्ट्रॉल, तुम्हारे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकते हैं एंड ट्राइग्लिसराइड, और रक्त में एक प्रकार की जो वसा है उसके लेवल को बढ़ा सकते हैं। रिस्क फैक्टर्स फॉर बोथ हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक, और जो कि रिस्क फैक्टर हैं फॉर बोथ दोनों के लिए, हार्ट अटैक के लिए एंड स्ट्रोक से कहते हैं लकवा या पक्षाघात के लिए। द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ कार्टिजोल एक्ट एज सेडेटिव एंड द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ कार्टिजोल, कार्टिजोल के जो उप उत्पाद हैं, बाई प्रोडक्ट्स कहते हैं उप उत्पाद, कार्टिजोल के जो उप उत्पाद हैं एक्ट, वो काम करते हैं एज सेडेटिव, नींद लाने वाले के रूप में काम कर सकते हैं। विच कैन लीड टू चेंज इन मूड, जो कि मनोदशा को चेंज कर सकते हैं, स्पेशली टू फीलिंग ऑफ डिप्रेशन, विशेष रूप से जो डिप्रेशन या अवसाद की भावना को। फॉर्चुनेटली द बॉडी हैज ए नेचुरल काउंटर बैलेंस टू द फाइट और फ्लाइट, फॉर्चुनेटली सौभाग्य से द बॉडी हैज ए नेचुरल काउंटर बैलेंस, बॉडी में शरीर में एक स्वाभाविक या प्राकृतिक काउंटर बैलेंस होता है, संतुलन बनाने की शक्ति होता है टू द फाइट और फ्लाइट, लड़ो और भागो में, भागो की जो प्रतिक्रिया है, रेस्पॉन्स है उसमें, कॉल्ड, जिसको क्या कहा जाता है, द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है, और द रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स या तनाव मुक्त अनुक्रिया कहा जाता है। द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक पराअनुकंपी नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, बिकम्स एक्टिवेटेड, वो एक्टिवेट हो जाता है व्हेन द थ्रेट और स्ट्रेसर, जब धमकी और स्ट्रेसर, तनाव उत्पन्न करने वाली जो वस्तु है, हैज पास्ड, वो पास हो जाती है, गुजर जाती है एंड एंडेड, और समाप्त हो जाती है। बट इट कैन आल्सो बी कॉन्शियसली एक्टिवेटेड बाय डीपनिंग द ब्रेथ एंड बाय रिलैक्सिंग द स्केलेटल मसल्स, बट इट कैन आल्सो बी कॉन्शियसली, लेकिन ये सजगता से एक्टिवेटेड एक्टिवेट कर सकती है बाय डीपनिंग द ब्रेथ, श्वास को गहरा करके एंड बाय रिलैक्सिंग, और ढीला करके द स्केलेटल मसल्स, अस्थिपंदर, जो मांसपेशियों की, अस्थिपंदर की जो मांसपेशियां हैं उन मांसपेशियों को ढीला करके। वेन एक्टिवेटेड द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम लोअर्स ब्लड प्रेशर, वेन एक्टिवेटेड जब वो एक्टिवेट हो जाता था तो द पैरासिम्पैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, लोअर्स, वो कम कर देता है ब्लड प्रेशर को, हार्ट रेट को एंड रेस्पिरेशन, और श्वसन गति को, द पेस ऑफ द ब्रेथ, वही श्वसन गति, डाइजेशन जो पाचन है उसको, एंड एलिमिनेशन आर, पाचन और एलिमिनेशन आर अलाउड टू बी स्टिमुलेटेड, पाचन और एलिमिनेशन उत्सर्जन आर अलाउड, उनको अलाउ किया जाता है टू बी स्टिमुलेटेड, स्टिमुलेट होने के लिए उनको अलाउ किया जाता है एंड ब्लड इज फ्री टू ट्रेवल टू द डाइजेस्टिव रिप्रोडक्टिव ग्लैंडुलर एंड इम्यून सिस्टम्स, एंड ब्लड इज फ्री, और ब्लड जो है वो स्वतंत्र होता है टू ट्रेवल टू द डाइजेस्टिव, ट्रेवल करने के लिए, यात्रा करने के लिए टू द डाइजेस्टिव, जो पाचन क्रिया उसमें, रिप्रोडक्टिव एंड ग्लैंडुलर या ग्रंथियों से संबंधित है, एंड इम्यून सिस्टम या
इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित है, उसमें ब्लड जो है वो ट्रेवल करने के लिए स्वतंत्र होता है। सिस्टम्स नेसेसरी फॉर द प्रमोशन ऑफ लॉन्ग टर्म हेल्थ, ये सिस्टम जो है नेसेसरी आवश्यक है फॉर द प्रमोशन उन्नत करने के लिए ऑफ लॉन्ग टर्म हेल्थ, दीर्घकालीन हेल्थ को प्रमोशन करने के लिए ये आवश्यक है। द रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स जो विश्राम प्रतिक्रिया है इज ऑल्सो नोन एज द रेस्ट एंड रिन्यू स्टेज, उसको रेस्ट एंड रिन्यू स्टेज के रूप में भी जाना जाता है। व्हेन द बॉडी हैज द टाइम, जब बॉडी का ये समय होता है, व्हेन द बॉडी हैज द टाइम एंड रिसोर्सेज टू हील द बॉडी, जब बॉडी के पास शरीर के पास हैज द टाइम समय होता है एंड रिसोर्सेज जो संसाधन होते हैं टू हील द बॉडी, बॉडी का इलाज करने के लिए एंड टू रेस्पॉन्ड टू इलनेस या बीमारी को जवाब देने के लिए उसका इलाज करने के लिए उनके पास समय होता है। ऑब्वियसली by increasing the frequency, time and depth of the relaxation response, obviously स्पष्ट रूप से by increasing वृद्धि करके the frequency में time and depth of the समय और जो गहराई है of the depth of the relaxation response, जो relaxation response जो विश्राम प्रतिक्रिया है उसकी गहराई में और उसके समय में या उसकी frequency में वृद्धि करने के दौरान वृद्धि करने के द्वारा we not only allow our body टू रिकवर फ्रॉम इलनेस, हम न केवल अपनी बॉडी को बीमारी से एंड डिजीजेज से जो है रिकवर होने के लिए अलाउ करते हैं, बट वी ऑल्सो प्रैक्टिस प्रिवेंटिव मेडिसिन, बल्कि हम प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास में लाते हैं प्रिवेंटिव मेडिसिन, रोकने वाली दवाइयों का मेडिसिन को, दवाई को बाई अलाउंग द बॉडी, बॉडी को अलाउ करके टू परफॉर्म ऑल ऑफ इट्स असेंशियल मेंटेनेंस टास्क, टू परफॉर्म करके तो ऑल ऑफ इट्स इसके सभी असेंशियल आवश्यक मेंटेनेंस टास्क जितने भी मरम्मत संबंधी कार्य हैं उनको परफॉर्म करके और बॉडी को हम मेडिसिन के लिए अलाउ करते हैं। योगाज एम्फेसिस ऑन लॉन्ग डीप ब्रेथिंग एंड कॉन्शियसनेस रिलैक्सेशन एक्टिवेट्स द पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड प्रमोट्स इट्स रेस्ट एंड रिन्यू फंक्शंस। योगाज एम्फेसिस, योगा का जोर ऑन लॉन्ग दीर्घ डीप ब्रेथिंग और गहरी श्वास एंड कॉन्शियस रिलैक्सेशन और चेतन रिलैक्सेशन विश्राम, चैतन्य जो है रिलैक्सेशन एक्टिविटीज विश्राम गतिविधियां एक्टिवेट्स, रिलैक्सेशन जो एक्टिवेट्स वो एक्टिवेट करता है द पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एंड प्रमोट्स और बढ़ाता है इट्स रेस्ट एंड रिन्यू, आराम और रिन्यू पुनर्नवीनीकरण जो फंक्शन है क्रियाएं हैं उनको बढ़ावा देता है। इनफैक्ट ए रिसेंट स्टडी हैज शोन योगा टू डिक्रीज द लेवल ऑफ द स्ट्रेस हार्मोन कार्टिजोल इन द ब्लड। इनफैक्ट वास्तव में रिसेंट स्टडी, हाल ही में जो अध्ययन किया गया है उस अध्ययन हैज शोन, ये दिखाया है योगा टू डिक्रीज, योगा जो है वो कम कर देता है द लेवल ऑफ द स्ट्रेस हार्मोन कार्टिजोल, जो स्ट्रेस हार्मोन है जो तनाव देने वाला जो हार्मोन है कार्टिजोल ब्लड में जो हार्मोन है उस हार्मोन के लेवल को कम कर देता है। द मेडिटेटिव प्रैक्टिस ऑफ योगा और चिंतनशील जो प्रैक्टिसेस हैं जो अभ्यास हैं योगा के हेल्प टू रिड्यूस द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ द माइंड टू स्ट्रेसर एंड टू लेसन द इंटेंसिटी ऑफ द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स। द मेडिटेटिव प्रैक्टिस ऑफ योगा, योगा की जो मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस हैं जो चिंतनशील जो प्रैक्टिसेस अभ्यास हैं वो मदद करते हैं टू रिड्यूस, कम करने में द रेस्पॉन्सिवनेस प्रतिक्रिया को ऑफ द माइंड, माइंड की प्रतिक्रिया को टू स्ट्रेसर, तनाव कम करने वाले जो कारक हैं, तनाव उत्पन्न करने वाले स्ट्रेसर, तनाव उत्पन्न करने वाले जो कारक हैं उनको कम करने का टू लेसन और कम करते हैं द इंटेंसिटी ऑफ द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स, जो तीव्रता है जो इंटेंसिटी है ऑफ द फाइट और फ्लाइट लड़ो और भागो जो प्रतिक्रिया है उसकी तीव्रता को कम करते हैं। योगा आल्सो टीचेज अस टू सी पोटेंशियल स्ट्रेसर्स एज चैलेंजेस रादर देन थ्रेट्स। योगा आल्सो टीचेज अस, योगा हमें यह भी सिखाता है टू सी पोटेंशियल, उसकी संभावना को स्ट्रेसर्स जो तनाव उत्पन्न करने वाले जो है कारक हैं उनकी संभावना को एज चैलेंजेस के रूप में जो है लेना सिखाता है रादर देन थ्रेट्स, धमकी के बजाय। अनेबलिंग वन टू अवॉइड द स्ट्रेस रेस्पॉन्स एंटायरली एंड अनेबलिंग वन, और किसी व्यक्ति को ये एक समर्थ बनाता है टू अवॉइड, टालने के लिए द स्ट्रेस रेस्पॉन्स एंटायरली, जो तनाव प्रतिक्रिया है उसको पूर्ण रूप से टालने के योग्य बनाता है।
नॉट ओनली डज योगाज एबिलिटी टू एक्टिवेट द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, नॉट ओनली योगाज एबिलिटी, न केवल योगा की जो क्षमता है एक्टिवेट करने की क्षमता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने की जो क्षमता है वो रिड्यूस स्ट्रेस, वो स्ट्रेस को तनाव कम करते हैं एंड अलाउ द बॉडी, और बॉडी को अलाउ करते हैं टू हील इटसेल्फ, इसका अपने आप में इलाज करने के लिए। बट द प्रैक्टिस ऑफ योगा ऑल्सो इम्प्रूव द बॉडी बॉडीज इनहेरेंट हीलिंग एबिलिटीज, लेकिन योगा की जो प्रैक्टिस है ऑल्सो इम्प्रूव, वो सुधार करती है द बॉडीज इनहेरेंट, बॉडी की जो जन्मजात हीलिंग एबिलिटीज हैं, जो इलाज करने की क्षमताएं हैं उनमें भी सुधार करती हैं। द इन्वर्टिंग ट्विस्टिंग कंप्रेसिंग दैट अकर इन योगा पोस्चर एनहांस द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स। द इन्वर्टिंग, शरीर को ऊपर नीचे करना, इन्वर्टिंग का मतलब है शरीर को ऊपर नीचे करना, ट्विस्टिंग शरीर को मरोड़ना, कंप्रेसिंग सिकोड़ना, दैट अकर इन योगा पोस्चर, जो योगा के पोस्चर में होते हैं, एनहांस द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, वो ब्लड का जो सर्कुलेशन है उसको बढ़ा देते हैं एंड बॉडी फ्लूइड्स, और शरीर का जो द्रव है उसको बढ़ा देते हैं। दिस इंक्रीज इन द सर्कुलेशन नॉट ओनली इम्प्रूव्स द बॉडीज एबिलिटी, दिस इंक्रीज इन सर्कुलेशन, और सर्कुलेशन में ये जो वृद्धि है नॉट ओनली इम्प्रूव द बॉडीज एबिलिटी, न केवल ये बॉडी की क्षमता में वृद्धि करती है, कौन सी क्षमता, टू डिलीवर द मटेरियल्स नीडेड टू अलाउ हीलिंग टू टेक प्लेस, टू डिलीवर करने के लिए द मटेरियल्स, उन मटेरियल्स को नीडेड टू अलाउ, जिनकी आवश्यकता होती है हीलिंग टू टेक प्लेस, हीलिंग के लिए जिनको आवश्यकता होती है टू अलाउ हीलिंग टू टेक प्लेस, उनको उसको स्थान देने के लिए, बट आल्सो एक्टिवेट्स, बल्कि वो एक्टिवेट करती हैं द लिम्फेथेटिक सिस्टम, जो लक्षिका प्रणाली है, लिम्फेथेटिक सिस्टम है, लक्षिका प्रणाली है, उसको भी एक्टिवेट करते हैं टू मेंटेन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम का जो नॉर्मल फंक्शन है उसको बनाए रखने के लिए वो एक्टिवेट करते हैं। एंड इन्फ्लेमेशन और रेस्पॉन्स, या जो शोथ प्रक्रिया है, इन्फ्लेमेशन जो प्रक्रिया है उस प्रतिक्रिया है उसको बनाए रखने के एक्टिवेट करते हैं, यानी लिम्फेटिक सिस्टम को जो है एक्टिवेट करती हैं। योगा पोस्चर्स आल्सो इम्प्रूव मसल स्ट्रेंथ, योगा पोस्चर जो है इम्प्रूव करते हैं मसल स्ट्रेंथ, मांसपेशियों की शक्ति को इम्प्रूव करते हैं, फ्लैक्सीबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं एंड रेंज ऑफ मोशन, और गति की जो रेंज है उसको इम्प्रूव करते हैं। ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हीलिंग, ये सभी के सभी हीलिंग के लिए या इलाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एंड प्रिवेंशन ऑफ द मस्क्यूलोस्केलेटल डिजीज, और रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं द मस्क्यूलोस्केलेटल डिजीज हैं उनको रोकते हैं, सच है जैसे आर्थराइटिस, गठिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस, यानी हड्डियों को कमज़ोर होकर जो टूटने की बीमारी है ऑस्टियोपोरोसिस, उसको रोकने में सहायता करती हैं, उसके लिए ये महत्वपूर्ण होते हैं। योगाज एम्फेसिस ऑन डीप ब्रेथिंग कंबाइंड विथ बैक बेंड्स इम्प्रूव लंग कैपेसिटी एंड फंक्शन। योगाज एम्फेसिस, योगा को जोर देना ऑन डीप ब्रेथिंग, गहरी श्वास के ऊपर जोर देना, कंबाइंड वो जोड़ती है, संयुक्त करती है विद बैक बेंड्स, पीठ को मरोड़ने की क्रियाओं से इम्प्रूव, जो कि इम्प्रूव करती हैं लंग कैपेसिटी, फेफड़ों की क्षमता को एंड फंक्शन को इम्प्रूव करती हैं, उसमें सुधार करती हैं। प्रैक्टिसिंग योगा आल्सो एनकरेजेज वन टू लीड ए हेल्दियर लाइफ स्टाइल, योगा को प्रैक्टिस करना आल्सो एनकरेजेज, वो एनकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है वन टू किसी व्यक्ति को टू लीड ए हेल्दियर लाइफ स्टाइल, एक हेल्दियर, एक स्वस्थ लाइफ स्टाइल जीने के लिए लीड करता है। थ्रू डेवलपिंग द सेल्फ अवेयरनेस की डेवलप करने के माध्यम से एंड डिसिप्लिन रिक्वायर्ड, या डिसिप्लिन डेवलप करने के माध्यम से रिक्वायर्ड फॉर पॉजिटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन, जिसको जिसकी आवश्यकता होती है फॉर पॉजिटिव सकारात्मक बिहेवियर मॉडिफिकेशन, व्यवहार में परिवर्तन के लिए जिसकी आवश्यकता होती है। व्हाइल योगा प्रोवाइड सच ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू द बॉडीज हीलिंग मैकेनिज्म, क्योंकि योगा जो है प्रोवाइड्स प्रदान करता है सच ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, इतना गहरा सपोर्ट प्रदान करता है टू द बॉडीज, शरीर की हीलिंग मैकेनिज्म, जो हीलिंग प्रक्रिया है, जो इलाज करने की प्रक्रिया है उसको इतना ज़्यादा गहरा सपोर्ट करता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू व्यू योगा एज एन एडजंक्ट, तो ये इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है कि योगा को एक सहायक के रूप में देखा जाए, ए कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी,
या फिर एक पूरक थेरेपेटी के रूप में या उपचार के रूप में देखा जाए एंड नॉट रिलाइड अपॉन और उस पर अधिक आश्रित रहना एज द ओनली थेरेपी फॉर हीलिंग डिजीज और एज द ओनली थेरेपी या केवल मात्र एकमात्र उपाय है वो जो है उपचार है फॉर हीलिंग डिजीज, रोग मिटाने वाली डिजीज के लिए ये एकमात्र उपचार है। यहाँ पर ये अपना इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पर ख़त्म होता है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।